व्हाट द हेल भाई, गोबी एस के साथ पांड्या रीजन में ट्रैवल करने वाले भाई। आज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मनुष्य खबर देने वाला हूँ। प्लीज़ डिसलाइक मत ठोकना, लाइक ये कर देना, और चैनल पे न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। गो एस के साथ ट्रैवल करने वाले उसका 99.9% चांसेस है, क्योंकि मिस्टी ने भी दो रीजन ने ट्रैवल किया था। जो भी कांटो से एस के साथ ट्रैवल करते हो, दो रीजन तो डेफिनेटली ट्रैवल करता ही करता है। जैसे कि मिस्टी ने दो रीजन ट्रैवल किया था, कांटो और जोटो। और भाई ब्रॉक ने तो चार रीजन एस के साथ ट्रैवल किया है, कांटो, जोटो, सीनो और होइन। भाई मतलब तुम सोच सकते हो, जो भी कांटो से है भाई एस के साथ दो रीजन तो मैक्सिमम ट्रैवल करता ही है, तो क्या गोबी पांड्या रीजन में ट्रैवल करने। पोकेमॉन जर्नी में गो को बहुत ज़्यादा हेट मिला है, इसलिए गो को नहीं डालना चाहिए पांड्या रीजन में, क्योंकि पोकेमॉन एनीमे बर्बाद हो जाएगा अगर गो आ गया। तो मैं बता रहा हूँ, अगर गो पांड्या रीजन में आ गया तो पोकेमॉन पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर पोकेमॉन जर्नी में दोनों को अलग कर दिया जाता है, मतलब दोनों अपनी अपनी जर्नी पे चले जाते हैं, तो भी वो दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि एस कंफर्म हो चुका है कि एस पांड्या रीजन में जाने वाले है। और गो का गोल है कि वो सारे के सारे पोकेमॉन्स को कैच करना चाहते हैं, तो पांड्या रीजन में पोकेमॉन ही है, थोड़ी कुछ बंदर बंदर है भाई। तो पांड्या रीजन में गो चला जाए पोकेमॉन को कैच करने, और एस अपना लीग जीतने के लिए, कुछ भी हो सकता है उधर, वो जीतने के लिए चला जाए भाई, और वो दोनों मिल जाए एक दूसरे से, और फिर वो दोनों तय करके हम दोनों साथ में सफर करते हैं। ये भाई ये खबर गलत होनी चाहिए, मैं गलत होना चाहूँ भाई। तुम लोग अगर ये चीज़ नहीं चाहते तो तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो भाई, मैं गलत होना चाहता हूँ। गो को नहीं देखना चाहता यार मैं पांड्या रीजन में, मनुष्यशाला एस को एक भी पोकेमॉन कैच नहीं करने देता, एक भी स्टार्टर बेचारे ने कैच नहीं किया गला रीजन में भाई, इसलिए मैं चाहता हूँ गो ना आए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मेरे को मालूम है नहीं लगा होगा, बट कोई ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा ऐसी दासों अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।